बहराइच लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने व भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पयागपुर अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल विशेश्वरगंज मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र व रैंप पर प्रकाश सहित मानक के अनुसार अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त न पाए जाने और मतदान केंद्र पर बीएलओ का विवरण अंकित न होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए खंड विकास अधिकारी सर्वेश तिवारी और खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी तथा पंचायत सचिव का अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरित न किए जाने का निर्देश दिया। मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि विगत लोकसभा समान निर्वाचन 2019 में कंचन मतदान केंद्र पर मात्र 25.96% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। यहां पर मात्र 25% मतदान होने की वजह से जाने पर बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा डीएम को बताया गया कि मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची में ग्राम सुल्ताना माफी के नाम से शामिल थे, जिन्हें बड़ी में सूची से डिलीट किया गया है। डीएम ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि कंचर व सुल्तान माफी की मतदाता सूची का मिलान करके 100% डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाया जाए। डीएम ने एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार व तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार को निर्देश दिया कि डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीटेशन कार्य का विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। यहाँ पर मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदेयों पर मतदान प्रतिशत कम रहा है तो वहाँ पर जागरूकता के लिए जो है ये कैंप लगाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे थे जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ था, किसान सम्मान निधि नहीं मिली थी और आयुष्मान कार्ड के कुछ बचे हुए थे, तो आज कैंप का आयोजन किया गया था। मतदाता सूची लोगों को पढ़कर सुनाई गई है तो उसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ ऐसे मतदाता थे जो दूसरे बूथ पे भी लगे हुए हैं, तो मेरा आप लोगों से यही अपील करनी है आपके माध्यम से कि ऐसे मतदाता जो दो जगह पे पंजीकृत हैं वो किसी एक जगह पे ही रह सकते हैं, क्योंकि दो जगह पे जो है मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अपराध है। तो जल्दी से जल्दी जो है अपनी ये प्रक्रिया को संपन्न करा लें और आज जो है प्रधान जी भी थे, यहाँ कोटेदार भी थे और जो जन सामान्य भी थे वो यहाँ पर उपस्थित रहे, तो एक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम।